उसे ये फिक्र है हर दम तर्ज़े जफा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। अंग्रेज सरकार के जुल्म की इंतहा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला क्रांतिवीर सुखदेव, सुखदेव थापर। 15 मई 1907 को लुधियाना के रहने वाले रामलाल थापर और रल्ली देवी के घर जन्म लिया सुखदेव ने। परंतु सुखदेव को पिता का प्यार नसीब ना हो सका, क्योंकि सुखदेव के जन्म से 3 महीने पहले ही पिता का देहांत हो गया। माता रल्ली देवी के साथ साथ ताया अचिंतराम और ताई ने भी गहरे प्यार से परवरिश की सुखदेव की। ताया जी की प्रेरणा से सुखदेव भी क्रांतिकारियों का साथी बन गया और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सुखदेव ने भगत सिंह व और साथियों का खुलकर साथ दिया। 1929 में जेल में कैदियों से बुरे व्यवहार के खिलाफ राजनीतिक कैदियों द्वारा की गई भूख हड़ताल में भी प्रधान बन के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई सुखदेव ने। दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना, दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है। जालिम अंग्रेज सरकार के जुल्म की इंतहा न कोई वकील, न कोई दलील और ना ही कोई अपील। सारे नियमों कानूनों को ताक पर रख के 23 मार्च 1931 की शाम भगत सिंह और राजगुरु के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया सुखदेव। सिर्फ 24 साल की उम्र में ही अपने रक्त से आजादी के इतिहास में अपना नाम लिखवाने वाले शहीद सुखदेव को लाख लाख प्रणाम।